जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक्सेल फॉर बिगनर्स। एक्सेल सीखना कितना ज्यादा जरूरी है मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात बताई है। सो प्लीज एक्सेल को पूरा सीखिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो है मार्केट वैल्यू जॉब वर्ल्ड में काफी अच्छी हो जाए, और नहीं तो आप खुद अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी एक्सेल सीख के उठा सकते हैं। एक्सेल में सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स ऐसे कि सर आप काम को जल्दी कर पाए और ठीक भी कर पाए। तो कुछ ऐसी चीजें सर जिन्हें शायद करने में माउस से या फिर ट्रेडिशनल तरीके से काफी समय लगता हो, उनको आप चुटकी बजाते जो है कंप्लीट कर लें। और एक्सेल के शॉर्टकट्स सर हम लोग शुरू कर रहे हैं सीखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो हैं तो बहुत छोटे छोटे लेकिन सर वो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और आपको काफी एफिशिएंट और काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बीच में छोड़ दोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे तो जीत नहीं पाओगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 2500 लाइक्स का, 2500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है सर हमारी ये एक्सेल आर्मी जो है ये 2500 लाइक्स का टारगेट आराम से अचीव करवा देगी। अब बात करते हैं सर एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। एक्सेल में सर यूं तो हो सकता है 400-500 शॉर्टकट्स हो, लेकिन अगर आप कुछ 30-40-50 शॉर्टकट सीख जाएं तो आप लोगों की लॉटरी लग जाएगी। आप लोगों को वाकई में एक्सेल का एक्सपर्ट जो है वो अपने आपको एटलीस्ट शॉर्टकट्स के मामले में आप कह सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, राइट? तो अब जल्दी से सर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि ऐसे एक्सेल शॉर्टकट का एक डेडिकेटेड कोर्स हम लोग लेके आए हैं जो सिर्फ 5 डेज के लिए 399 रुपीज में अवेलेबल है। यस यू हर्ड इट राइट, 399 रुपीज में। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और आई बटन में दे रहा हूं। जरूर चेक कीजिएगा उस कोर्स को। और हमारा एक्सेल क्लब तो चल ही रहा है, उसका बैच 2 हम लोगों ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल अभी भी हमने उसका बैच जो है नया शुरू किया है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, edu91 पे जाएं, www.edu91.org, या फिर edu91 की ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर में जाके, वहां पे आपको सर एक्सेल कैटेगरी में दोनों के दोनों चीजें जो है मिल जाएंगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जरूर एक बार उन कोर्सेज को देखें और ज्वाइन कर लें और बन जाएं मेंबर जल्दी से हमारे। चलिए अब से जल्दी से इस वीडियो को हम कर देते हैं शुरू इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद। और साथ साथ में आप लोगों ने नीचे कमेंट में मुझे बताना है कि इस वीडियो में आपको जो शॉर्टकट्स बताए गए उसमें से सबसे अच्छा शॉर्टकट आपको कौन सा लगा, ये मुझे आप जरूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि आपको कौन सा शॉर्टकट अच्छा लगा और कौन से शॉर्टकट्स हैं इनके अलावा जो सबसे ज्यादा सर इस लाइफ में यूज होते हैं आपकी एक्सेल की लाइफ में, वो भी मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। अगर सर समय लगा तो मैं जरूर आपके लिए उनके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो बना के दे दूंगा। और एक्सेल की जो हमने आज तक की वीडियोस बनाई है उन सबका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, एक प्लेलिस्ट में वो डाल दी, वो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप भी सीखेंगे, आपके दोस्त भी सीखेंगे, तभी सर हम सब जो है मिलकर इस चीज को अच्छे से बढ़ा पाएंगे और सिखा पाएंगे, राइट गाइज? चलो भाई आ जाओ शॉर्टकट सीखने। ओके, तो एक्सेल शॉर्टकट्स में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रिबन शॉर्टकट्स। रिबन क्या होता है आपको मैंने बताया था, ये है आपका पूरा का पूरा रिबन, ओके? और इसके रिलेटेड जो भी शॉर्टकट्स हैं, जो खास शॉर्टकट्स हैं वो हम सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 9 शॉर्टकट्स सीखेंगे जिसमें से 8 आपके स्क्रीन पे समय सामने लिखे हुए हैं और एक आपको मैं बोनस दूंगा। सबसे पहला और सबसे अमेजिंग जो मुझे लगता है शॉर्टकट वो है रिबन टॉगल। व्हाट इज रिबन टॉगल, तो जरा स्क्रीन पे ध्यान लगा के रखिए। ये देखिए इस समय आपका रिबन जो है वो गायब हो गया, थोड़ा सा स्लो हुआ था क्योंकि प्रोसेसिंग हो रही थी, कुछ मे बी अपडेट हो रहा होगा। देखिए फिर से आ गया, फिर से गायब, फिर से आ गया, फिर से गायब। सो हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय हम लोग रिबन को टॉगल कर रहे हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F1, राइट? तो देखिए इससे फ़ायदा क्या है, हम ये भी बात करेंगे। कंट्रोल F1 मैंने प्रेस किया, मेरे पास रिबन वापस आ गया। कंट्रोल F1 दोबारा प्रेस किया, मेरा रिबन जो है वो मिनिमाइज हो गया। व्हाई दिस इज सो अमेजिंग, मैं इस समय जो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो एक 13-inch लैपटॉप है, डेल XPS, अगर आपने सुना हो। काफ़ी छोटा लैपटॉप है और काफ़ी कम स्पेस अवेलेबल होता है काम करने के लिए एक्सेल पे। इवन आप कितने भी बड़े लैपटॉप पे काम कर लीजिए, जब आप एक्सेल में लार्ज डेटा हैंडल कर रहे होते हैं उस समय आपके पास बहुत कम जो है जगह होती है, जगह कम पड़ जाती है आई शुड से, उस टाइम पे आपके रिबन टॉगल बहुत काम आता है, क्योंकि जैसे ही रिबन मिनिमाइज होता है आपके पास वर्क स्पेस जो है वो बढ़ जाता है, राइट? अगर मैं बोलूं कि अभी मेरे पास इतना वर्क स्पेस है, ये देख लीजिए, लेकिन जब रिबन मेरा मैक्सिमाइज होता है तो मेरे पास वर्क स्पेस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है,
इन कंपैरिजन, यहाँ से मेरा वर्क स्पेस जो है वो शुरू होता है, राइट गाइस। सो कंट्रोल एफ वन से आप लोग रिबन को हटा सकते हैं और वापस कंट्रोल वन दबा के ही, कंट्रोल एफ वन दबा के ही इसको ला भी सकते हैं। आइए अब चलते हैं सेकेंड शॉर्टकट पे अपने, वो है एक्सेस कीज। एक्सेस कीज बोले तो एक तरह से शॉर्टकट कीज भी उनको बोल सकते हैं, उनको पहले एक्टिवेट करना पड़ता है। आप एक्सेल में किसी सेल में हैं, आप ऑल्ट प्रेस कर दीजिए और आपके पास देखेंगे आप ऊपर आपके रिबन में कुछ अल्फाबेट्स लिखे आ गए। तो दीज आर दी एक्सेस कीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, जैसे कि आपको फाइल के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एफ, होम के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एच, इंसर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा होगा एन, पेज लेआउट पे पी, एम, ए आर डब्ल्यू वाई, और ऊपर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में एक बी भी आपको जो है दिख रहा होगा। एनीवेज इनसे होता क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये बहुत ही काम का, लेकिन ये आते कैसे पहले आप ये सीख लीजिए, ऑल्ट प्रेस करने से आते हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लैपटॉप में दो जगह पे ऑल्ट होगा, लेफ्ट एंड राइट। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लेफ्ट वाले ऑल्ट से आएगा, कहीं लैपटॉप में राइट वाले ऑल्ट से ये ऑप्शन जो है नहीं आते। जैसे कि मैं अभी दोबारा से ऑल्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, इस बार राइट वाला प्रेस कर रहा हूँ और मेरे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं आ रहा है, राइट। तो हम इसमें एक चीज़ और भी लिख लेते हैं, यूज़ लेफ्ट ऑल्ट। हो सकता है किसी लैपटॉप में आ जाए, लेकिन जनरली बहुत सारे लैपटॉप में राइट लेफ्ट से, राइट ऑल्ट से जो है नहीं आता है। लेफ्ट ऑल्ट जब आप प्रेस करते हैं तो आपके ये एक्सेस कीज जो है ये एक्टिवेट बेसिकली हो जाती है। ग्रेट, थम्स अप। ओके देन गाइज, हम लोग बात करेंगे किसकी, कमांड सिलेक्शन की। अब ये कमांड सिलेक्शन क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं जब ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करते मेरा रिबन एक्टिवेट हो जाता है, मैं एच प्रेस कर दूंगा तो उसके बाद मेरा टैब सेलेक्ट हो गया, राइट। मेरा क्या सिलेक्ट हो गया, टैब सेलेक्ट हो गया, एक्टिवेट कर दिया था हमने ऑल्ट करके। बल्कि मुझे इसमें ना एक काम और कर देना चाहिए, आपके साथ साथ ही कर देता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है और इंसर्ट कर देता हूँ और वो मैं रख देता हूँ, उसका नाम 2A, राइट। देन टैब सिलेक्शन, टैब सिलेक्शन, या एक काम करते हैं 2A क्यों करना, हम इसको पूरा लाइन में डाल देते। तो इस वीडियो में आप 10 फॉर्मूले सीखने वाले हैं कुल मिला के, राइट। टैब सिलेक्शन कैसे काम करेगा, जैसे आपने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करने के बाद आपके ऊपर जैसे आप फाइल पे F लिखा है, H, होम पे H लिखा है, तो जैसे मैं H दबाऊंगा इसका मतलब होम वाला टैब जो है वो मेरा सिलेक्ट हो गया, ये लीजिए, राइट। ये होते हैं टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एटसेट्रा। ओके, सो आप टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब टैब के अंदर क्या है, बहुत सारे कमांड्स हैं। जैसे कि होम के अंदर मैं बात करूं तो पहले तो ग्रुप्स हैं, ये देखिए ग्रुप 1 इज ऑफ क्लिपबोर्ड, ग्रुप 2 बिलोंग्स टू फॉन्ट, ग्रुप 3 बिलोंग्स टू अलाइनमेंट, ग्रुप, ये सब होम टैब के अंदर जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। ग्रुप 4 बिलोंग्स टू नंबर, राइट। अब मैं क्या करके दिखाऊंगा आपको, देखिए ऑल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, अब एच प्रेस करते ही सारे कमांड्स पे जो है एक की आ गई है और आप उस की को प्रेस करके वो कमांड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस रिबन टॉगल को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं ऑल्ट दबाया मैंने, एच दबाया मैंने, और उसके बाद आप ध्यान से देखें यहाँ पे फॉन्ट वाले ग्रुप में बोल्ड कमांड पे लिखा आ रहा है 1, तो मैं 1 प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ऑल्ट एच 1 लीजिए, ये बोल्ड हो गया, कम ऑन। हाँ, मुझे पता है इसका डेडिकेटेड शॉर्टकट भी है, मैंने आपको बताया था कि डेडिकेटेड शॉर्टकट ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसे जो है टैब के अंदर के कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल्ट से आपके पास कीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, आप टैब सेलेक्ट कर सकते हैं रेलेवेंट कमांड दबा के, मैंने एच दबा दिया, और आप कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं अगेन रेलेवेंट कमांड दबा के, मैंने इस बार जो है 2 दबा दिया, तो आप देखिए रिबन टॉगल इटैलिक्स में जो है वो हो गया। ओके, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड मैंने क्यों किया, अंडू करने के लिए होता है कंट्रोल जेड, और ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है कंट्रोल जेड अंडू, और ये यूनिवर्सल शॉर्टकट है, बहुत जगहों पे विंडोज में यूज होने वाली बहुत जगहों पे काम कर जाता है, राइट। ओके, सो टैब सिलेक्शन इज डन, कमांड सिलेक्शन इज डन। अब देखिए कि हम कैसे एक एक करके टैब के एक एक कमांड पे जो है नेविगेट कर सकते हैं। सो नेविगेशन ऑफ कमांड्स विद इन अ टैब, ध्यान दीजिएगा जरा, ऑल्ट दबाया, एच दबाया, एच दबाने के बाद ऑल दो में कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं एक एक टैब एक एक कमांड पे नेविगेट करना चाहता हूँ, देखिए अब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ आपके सामने, टैब, मैंने टैब प्रेस किया, इस समय टैब प्रेस करते ही आप देखेंगे ध्यान से ये पेस्ट जो है ना ये हाईलाइट हो गया है, राइट, पेस्ट हाईलाइट हो गया था, ऑल्ट एच टैब।
ऑल्ट दबाते ही मेरे पास उन्होंने पूछा कि टैब कौन सा सेलेक्ट करना, मैंने सेलेक्ट कर लिया होम। होम दबाते ही जैसे मैंने एच दबाया, उन्होंने बोला कोई कमांड सेलेक्ट करना चाहते, तो मैंने कहा कमांड मुझे सेलेक्ट ऐसे नहीं करनी, मैंने टैब प्रेस कर दिया। अब देखिए जैसे जैसे मैं टैब दबा रहा हूँ वैसे वैसे मूवमेंट आ रही है मेरे कर्सर में, प्लीज़ नोटिस कीजिए, और बिल्कुल सिक्वेंशियल ऑर्डर में अंडरलाइन पे आ गया, ये मेरे बाउंड्रीज पे आ गया, देन फॉन्ट कलर पे आ गया, ये बैकग्राउंड कलर पे आ गया, फॉन्ट कलर पे आ गया, अब नेक्स्ट ग्रुप में जंप कर गया, नेक्स्ट ग्रुप में ये अलाइनमेंट है आपकी, अप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, डाउन अलाइनमेंट, ये धीरे 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 एक एक करके सिक्वेंशली ग्रुप पहले तो हर कमांड पे जाएगा और कमांड के बाद नेक्स्ट ग्रुप में भी जंप कर जाएगा। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं टैब का बटन जो है प्रेस करके कर रहा हूँ, राइट। और भैया आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस ना लगे, जब आप एक्सेल एक्चुअली में यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगने वाली है गाइज, राइट। तो आप टैब प्रेस करके आप नेविगेट कर सकते हैं कमांड्स के बीच में सिक्वेंशली, इस बात को समझ लीजिए, आप टैब प्रेस करके नेविगेट कर सकते हैं कमांड्स के बीच में सिक्वेंशली, ग्रेट। आइए जी, देन अब देखिए क्या करना है हमने, मैं कहता हूँ कि मैंने ऑल्ट दबाया, एच दबाया, मैंने ऑल्ट दबाया, उप्स वहाँ पे शायद टाइप हो गया, हाँ मैंने ऑल्ट दबाया, एच दबाया, और अब मैं मुझे पता है कि भाई मैं होम के अंदर तो जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या हो अगर सर मैं दूसरी टैब में जाना चाहता हूँ एक बार एच दबाने के बाद, तो कुछ नहीं, मैं सर अपने ये एरो की से राइट एंड लेफ्ट एरो की से आगे पीछे जा रहा हूँ, और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए इससे आप शेयर पे भी चले गए, कमेंट्स पे भी चले गए, वापस फाइल पे भी आ गए, यानी कि सारी कमांड्स आप लोग सिर्फ एरो की से जो है एक्सेस कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपको ऑल्ट एच दबा के करना पड़ेगा, ऑल्ट दबा के बेसिकली करना पड़ेगा, जैसे आप ऑल्ट दबाते हैं आप टैब सिलेक्शन, जैसे आप ऑल्ट दबाते हैं आप टैब सिलेक्शन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप जो है राइट लेफ्ट की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सेल की शीट में रहते हो राइट लेफ्ट दबाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सेल में मूवमेंट करेगा, देखिए अभी आपको मूवमेंट दिख रही होगी सेल में, राइट। तो ऑल्ट दबाइए, उसके बाद आप टैब्स जो हैं इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं। वैसे इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि ऑल्ट दबाइए और एक्सेस की दबाइए, एक्सेस की बोले तो जैसे कि अगर इंसर्ट करना तो एन दबाइए, पेज लेआउट के लिए पी दबाइए, लेकिन फिर भी आपको मैं एक वे बता रहा हूँ कि आप टैब्स के बीच में एरो की से भी लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, इवन लेफ्ट एंड राइट नहीं, आप ऊपर भी जा सकते हैं, जो इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जो आपके रिबन के जस्ट ऊपर है, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, आप क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी जो है जा सकते हैं और वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप सेलेक्ट, और वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इस तरह से आप नेविगेट करते हैं बिटवीन द टैब्स ऑफ द रिबन। ओके, अच्छा अब एक चीज़ और सीखते हैं छोटी सी, मैंने ऑल्ट दबाया, एच दबाया, अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं टैब प्रेस कर करके एक एक कमांड पे आता रहूँ, देखिए इस समय मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ और मैं सीक्वेंशली एक एक कमांड पे जा रहा हूँ, और एक जब एक ग्रुप की जब कमांड्स खत्म हो जाती है, जैसे अलाइनमेंट के ग्रुप की कमांड अब खत्म होगी, ये खत्म हो गई अलाइनमेंट के ग्रुप की कमांड, अब मैं टैब दबा के नंबर ग्रुप में आ गया, फिर नंबर ग्रुप की कमांड खत्म हो गई, अब मैं टैब दबा के स्टाइल ग्रुप में आ गया। सो दीज आर ग्रुप्स, ये जो लिखे ना यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग एटसेट्रा, राइट। तो आप जैसे जैसे प्रेस करेंगे आप दूसरे दूसरे ग्रुप में जो है वो आते जाएंगे, जैसे जैसे आप टैब प्रेस करते जाएंगे। लेकिन क्या ग्रुप ग्रुप टू ग्रुप जंप करने का भी तरीका है कुछ? हाँ बिल्कुल है सर। अब देखिए हमारा 7th नंबर का जो फॉर्मूला है वो है कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आप ग्रुप में कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो मैंने ऑल्ट दबाया, एच दबाया, और उसके बाद मैंने जो है देखिए मैं कंट्रोल प्लस राइट एरो दबा रहा हूँ, ज़रा ऊपर ध्यान रखिएगा, ये देखिए पूरा ग्रुप जंप हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप जंप हो गया, पूरा का पूरा जो है ग्रुप आप जंप कर सकते हैं कंट्रोल राइट एरो से, राइट। सो इट्स फास्ट, और जब आपका होम के जितने ग्रुप खत्म हो जाएंगे तो आपको होम वापस फाइल पे ले आया, अब आप टैब्स में, अब मैं टैब्स में घूम रहा हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ दिया, बट वंस आई एम इन होम मैं टैब दबा के आ सकता हूँ, वंस आई एम एट होम मैं देखिए टैब दबा रहा हूँ, अभी तो होम के अंदर हूँ नहीं मैं, तो मैं ऊपर टैब से भी मैं जो है आगे नेविगेट कर पा रहा हूँ, जैसे मैंने होम पे आके टैब दबाया वापस से मैं वापस अपने जो है कमांड्स में आना शुरू हो गया, और टैब से सिक्वेंशियल चल रहा है, आपको एकदम नेक्स्ट ग्रुप में जंप करना है कंट्रोल राइट एरो, प्रीवियस ग्रुप में जाना है कंट्रोल लेफ्ट एरो, नेक्स्ट ग्रुप में जाना है कंट्रोल राइट एरो। और मज़े की बात, अगर आप देखिए और भी एक तरीका है टैब्स के बीच में मूव करने का, और वो है कमांड्स के बीच में मूव करने का, वो है सिंपल एरो। लेकिन सिंपल एरो में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं गया, मैंने ऑल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, अब उसके बाद मैंने जो है डाउन एरो प्रेस कर दिया, देखिए अब इस समय पेस्ट कमांड पे हूँ मैं अब राइट राइट करता जा रहा हूँ तो सिक्वेंशली नहीं चल रहा है, और मैं यहाँ पे एरो कीज यूज़ करके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता हूँ, ये देखिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ एरो की यूज़ करके, मैं पूरे में कहीं पे भी ट्रैवल जो है वो कर सकता हूँ। देखिए मैंने जैसे डाउन एरो प्रेस किया होम टैब में डाउन में आ गया, राइट 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 अप राइट डाउन राइट अप
लेफ्ट मतलब बैक हो गया मैं, तो मैं कुछ भी यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे ग्रुप जंप करना है कंट्रोल एरो, अगर मुझे सीक्वेंशली चलना है टैप 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 प्रेस करता जाऊँगा, अगर मुझे एरो कीज के थ्रू नेविगेट करना है जल्दी जल्दी, तो मैं एरो कीज का इस्तेमाल करके बिना किसी पैटर्न के जो है वो मैं मूव कर सकता हूँ। राइट गाइस, दिस इज, ये बहुत छोटी छोटी नॉलेज है लेकिन ये बहुत 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 काम की है। राइट, अब आप किसी कमांड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है वैसे तो, देखिए ऑल्ट एच किसी कमांड को सेलेक्ट करना है तो मैं उसके उसके जो उसके अगेंस्ट जो की है मैं उसको प्रेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोल्ड करना है, मैंने वन प्रेस कर दिया, हो गया जी बोल्ड, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। लेकिन एक और भी तरीका है, मैंने किया ऑल्ट एच और अब मैं टैप प्रेस करके जो है आगे आया, ये देखिए, और अब मैं बी पे हूँ। अब मैं कोई मेरे पास कोई मेरे को ऑप्शन दिखा रहा, वन प्रेस करूँ, टू प्रेस करूँ, थ्री प्रेस करूँ, तो आई कैन सिंपली यूज़ द एंटर की और द स्पेस की। देखिए मैंने एंटर की यूज़ किया और यहाँ पे ब्लॉक हो गया, यहाँ पे बोल्ड हो गया, सॉरी। राइट, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ऑल्ट एच टैब मैंने प्रेस किया, मैं आ गया एरो की से बोल्ड पे, अब मैं स्पेस की प्रेस करता हूँ। तो आप स्पेस की प्रेस करें या आप एंटर की प्रेस करें, मेरे लिए दोनों सेम काम कर रही हैं, अपने लैपटॉप में भी एक बार चेक करके बताइएगा। राइट, ये हो गए हमारे कितने कमांड, 9 कमांड्स जो हैं हमने देखे यहाँ पे। अब आपको एक एक ज़बरदस्त कमांड मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कमांड जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, 10th नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, और वो है क्रिएट टेबल फ्रॉम डेटा। और ये शुरू में मैं बता रहा हूँ आपको इसलिए क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाली है। राइट, सो वेरी सिंपल, आप प्रेस करेंगे कंट्रोल और आप प्रेस करेंगे टी। राइट, कंट्रोल प्लस टी, दैट्स इट। कैसे होगा देखिए, ये मेरे पास एक डेटा है, रॉ डेटा है, मैं इसमें किसी भी सेल को सेलेक्ट करता हूँ और मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, उसने बता दिया हाँ जी टेबल को कन्वर्ट करना चाहते हो, येस, वो आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, आपकी टेबल वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, तो मैंने बोला सर यही मेरा डेटा है सारा और टेबल के पास हेडर्स हैं, देखिए हेडर्स मतलब एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है, मैंने ओके किया। वाओ, अभी शायद आपको इसकी जो है यूजेबिलिटी समझ नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको इसकी यूजिबिलिटी समझ आएगी आने वाले समय में। अगर आप एक्सेल क्लब के मेंबर हैं तो आपको डेफिनेटली अभी तक समझ आ चुकी होगी, अगर नहीं आप एक्सेल क्लब के मेंबर तो भाई आप लोगों को ये समझ आ जाएगी जब आप एक्चुअली में काम करने उतरेंगे, जब आप एक्सेल क्लब के मेंबर बन जाएंगे। राइट, सो दिस इज़ अमेजिंग, हमने सर अभी अभी इसी वीडियो में हमने 10 शॉर्टकट्स जो हैं वो सीख डाले, जिसमें से एक बोलूंगा कि मैंने आपको दिया है बोनस, स्पेशल शॉर्टकट है जो आगे काफ़ी ज़्यादा जो है काम आ सकता है। राइट गाइज, ऑल दी वेरी बेस्ट, और इसी तरह शॉर्टकट सीखते रहें, एक्सेल में शाइन करते रहें और सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय, टेक केयर। If you are looking for a job, then you need to enhance your Excel skills. Get access to amazing videos and community support in the Excel Club by CA Neeraj Arora, where you will learn almost everything about Excel. Formulas, shortcuts, handling huge amount of data, and much more. Become a part of the Excel Club now and shine in Excel. Download the Edu91 app now.